गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ का ज्योग्राफी में चैप्टर वन करने जा रहे हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो हमारे चैप्टर जो है रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, हम ये पहले भी एट्थ क्लास में करके आ चुके हैं। तो रिसोर्सेज होते क्या है, क्या होते हैं संसाधन। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि जितनी भी जो वस्तुएं हैं हमारे सराउंडिंग में हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, जो वस्तुएं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। रिसोर्सेज हर एक वो वस्तु है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। अभी जैसे कि मेरे हाथ में ये एक मार्कर है, इट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्सेज बिकॉज ये मार्कर मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। घर में हम जितने भी यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ करते हैं, या हमारे पास जो भी स्टेशनरी का सामान है, जो भी वस्तु है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइंग आवर नीड्स। रिसोर्सेज आर दोज मीन्स विच आर अवेलेबल फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज जो है वो हमारे देश का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हैं। मतलब रिसोर्सेज ऐसे संसाधन हैं जो हमारी हर तरह की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। फर्दर अब हम करेंगे इसमें कि रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अभी जैसे कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, रिसोर्सेज जो है उसको हम थ्री टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन नीड। अभी नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल होते हैं। मतलब प्रकृति के रूप से ये एक प्रकृति की देन है हमारे लिए, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स का कोई रोल नहीं है इसको बनाने में। तो ऐसे रिसोर्सेज जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के डेवलप होते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। फर्दर हमारा आता है ह्यूमन। अभी आप सोचोगे कि ह्यूमन जो है वो एक रिसोर्स क्यों है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेज है, उन सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है और उन्हें रिसोर्स बनाता है। दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग आर आल्सो अ वाइटल रिसोर्स। ये हमारे रिसोर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों है, बिकॉज हम अपनी नॉलेज यूज़ करते हैं, अपनी स्किल्स यूज़ करते हैं, हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम रिसोर्सेज को यूजेबल बनाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसको जो ह्यूमन के द्वारा निर्मित है, जो मानव के द्वारा निर्मित है, हमने बनाई है। जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड्स है, तो ये सारे क्या है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, फर्दर उसको कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फर्दर हम उसको क्लासीफाई करेंगे रीन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अभी यहाँ पे ये दो वर्ड्स हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब ये जो वर्ड है वो तीन वर्ड से मिलकर बना है, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं, मतलब जब हम उनको यूज करते हैं तो वो पूर्ण रूप से एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, हर दिन हमें वो रिन्यू एक नए फॉर्म में मिलते हैं, तो हम उसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हम एक बार जिनको यूज़ कर लेते हैं और वो यूज़ करने के बाद जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम उनको रिन्यू नहीं कर पाते, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जैसे कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है, वो किस में आ जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे कि तुम्हारा सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी फर्दर हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। एक होता है कंटिन्यूस फ्लो,
और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूस फ्लो मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका जो फ्लो है, प्रवाह है, वो क्या है, लगातार है, कंटिन्यूस चलता रहता है, जैसे कि विंड है, सोलार एनर्जी है, सनलाइट है, वाटर है, तो इनका कंटिन्यूस फ्लो चलता रहता है। अभी आप सोचोगे कि वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे है, तो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे है, क्योंकि आपको पता ही है एक वाटर साइकिल होता है जिसमें वाटर इवेपरेट होता है, इवेपरेट होने के बाद वो हमारे एनवायरनमेंट में चला जाता है, बाद में क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तब वहाँ पे कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो वेपर्स होते हैं वो ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, बाद में जब ये ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं तो वो एज अ प्रेसिपिटेशन हमारे अर्थ पे आते हैं, जिसके कारण वो एज अ रेन अर्थ पे आते हैं। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल जो है वो चलता रहता है, तो वाटर जो है वो भी कंटिन्यूस फ्लो में आता है, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आगे हम करेंगे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल मतलब जैविक संसाधन। अभी जैविक संसाधन भी दो तरह के होते हैं, एक है नेचुरल वाइल्ड नेचुरल वेजिटेशन और दूसरी है वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मतलब वो प्राकृतिक वनस्पतियां जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह है जिनको हम नहीं उगाते, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो नेचुरली उगते हैं तो वो नेचुरल वेजिटेशन में आ जाती है, और वाइल्ड लाइफ जो इस फॉरेस्ट में रहने वाले जो वन्य जीवन है उसे हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो ये हमारा हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी फर्दर हम टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब एक बार जब हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं तो ये पूर्ण रूप से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अभी इसमें रिसाइक्लेबल होते हैं और नॉन रिसाइकल होते हैं। रिसाइक्लेबल मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल करने का मतलब होता है जिन्हें हम यूज़ करके दोबारा से उनको यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें जितने भी मेटल्स आते हैं वो रिसाइक्लेबल होते हैं। नॉन रिसाइक्लेबल में मतलब जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, तो इसमें फॉसिल फ्यूल। अभी फर्दर अगर हम देखें तो हम ह्यूमन मेड को यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम ओनली ह्यूमन का इसमें यूज़ करेंगे। फॉसिल फ्यूल में आ जाते हैं तुम्हारे कोल, पेट्रोलियम, एंड गैस, नेचुरल गैस। अभी ह्यूमन रिसोर्सेज में तुम्हारे आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये मैन मेड रिसोर्सेज हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट जो है ह्यूमन रिसोर्सेज में इनकी क्वालिटी होती है एंड क्वांटिटी होती है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अभी हम इसे रिवीजन करेंगे इसका कि व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर दोज सब्सटेंस विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, दे आर दोज मीन्स विच आर यूज फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने कर लिया नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को हमने दो पार्ट्स में बांट लिया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल में कंटिन्यूस फ्लो, विंड, सन, लाइट एंड वाटर, और नेक्स्ट इसमें आ जाता है बायोलॉजिकल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।
नॉन रीन्यूएबल में रिसाइकेबल रिसोर्सेज होते हैं और नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज होते हैं. रिसाइकलेबल में आ जाते हैं मेटल्स और नॉन रिसाइकलेबल में आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. फिर फर्दर है इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें जो है रिसोर्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है. फर्दर वो क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं. ना होने के बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स. अभी हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सबसे पहले हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब है उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं. तो अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इस टाइप से हम रिसोर्सेज को टू टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे. एक तो होते हैं बायोटिक, एक होते हैं अबायोटिक. बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें जीवन होता है, मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स है, वेजिटेशन है, एनिमल्स है, जितने भी फ्लोरा फौना है, वो सभी क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है. अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है. ऑल द नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर नोन एज अबायोटिक रिसोर्सेज. मतलब सॉइल है, लैंड है, या फिर हमारे जितने भी मिनरल्स वगैरह है, ये सभी क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज है. तो बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम रिसोर्सेज को टू टाइप्स में हमने क्लासिफाई कर दिया है, बायोटिक एंड अबायोटिक. इसके बाद आता है बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व, मतलब जिसका मालिक कौन है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप या स्वामित्व के आधार पर हम फर्दर रिसोर्सेज को चार टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहले हमारा आ जाता है इंडिविजुअल रिसोर्स. इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल का मतलब कोई एक व्यक्ति, मतलब जिसका मालिक एक ही है. मतलब जो जितने भी रिसोर्सेज है जो प्राइवेटली ओन होते हैं, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं. जैसे कि एक किसान है, किसान का अपना खेत है, तो वो एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज है. तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में वो इंडिविजुअल्स आते हैं जिनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, जो गवर्नमेंट बेस्ड नहीं होती है, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है. तो हम ऐसे रिसोर्सेज को हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं. सेकंड इसमें आ जाता है कम्युनिटी रिसोर्स. कम्युनिटी रिसोर्सेज, अभी कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय. मतलब एक समुदाय का, एक जैसे तुमने देखा होगा गांव के पास अपनी खुद की एक ज़मीन होती है जो पब्लिक होती है, तो जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसे हम कम्युनिटी रिसोर्स भी कह सकते हैं. कम्युनिटी के पास अपने रिसोर्स होते हैं, जैसे कि पार्क है, हॉस्पिटल्स वगैरह है, या फिर और भी ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं गांव में, कॉमन लैंड्स होते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स कहेंगे. मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जो पूर्ण रूप से क्या करती है, रिसोर्स के ऊपर उनका अधिकार होता है.
तो मतलब ये किसी इंडिविजुअल की नहीं होती है, पूरे कम्युनिटी जो के लोग जो है उसे क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। जैसे गांव में कॉमन वेल्स होते हैं तो वो वेल्स जो है वो कम्युनिटी रिसोर्स में आ जाते हैं। फिर फर्दर अगर हम इसमें आगे देखें, जो थर्ड नंबर के होते हैं वो हमारे हैं नेशनल रिसोर्स। तो अभी हमने क्या था, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो इंडिविजुअली प्राइवेटली ओन होते हैं, मतलब किसी एक इंडिविजुअल के जो रिसोर्सेज होते हैं उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। फिर हमने किया था कम्युनिटी रिसोर्सेज, मतलब एक पूरी कम्युनिटी उसे एसेस कर सकती है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। जैसे बरियल ग्राउंड्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, कॉमन वेल्थ होती है, कॉमन लैंड्स होते हैं गाँव में, तो वो सभी क्या है, वो एक कम्युनिटी रिसोर्स है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मतलब राष्ट्रीय संसाधन, मतलब हमारे एक नेशन, एक राष्ट्र की जितनी भी बाउंड्री है उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी संसाधन होते हैं उसे हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। मतलब अगर कोई कंट्री है जिसके पास वाटर बॉडीज भी है, मतलब उसकी जो सीमा है उसके आगे वाटर बॉडीज है, तो वहाँ पे भी 12 नॉकटेल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो नेशनल रिसोर्स में आ जाता है। तो इसके बाद हमारा आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स अभी वर्ड से ही पता है, इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो एक नेशन की बाउंड्री से बाहर होते हैं, मतलब जो इंटरनेशनल स्तर पर होते हैं, तो हम उसको इंटरनेशनल रिसोर्स करते हैं। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनके ऊपर कोई इंडिविजुअल नेशन का अधिकार नहीं होता है, वो रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज को हमने चार कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। फर्दर अगर आगे हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब समपत्ते के आधार पर रिसोर्सेज, मतलब जब हम उन रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करते हैं तो क्या वो रिसोर्सेज पूर्ण रूप से एग्जॉस्ट हो जाते हैं या फिर हम उसे रिसाइकल रिन्यूएबल कर सकते हैं। तो अभी इसमें आ जाता है बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको फर्दर हम करेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। हमने जैसे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में किया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल मतलब जिन जो पुनः निर्माण जिनका हो सकता है उन रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलार एनर्जी है, तो ये सभी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वाटर है, वाटर इज ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। अभी ये नॉन रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि इनको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है और अगर जब हम इसको एग्जॉस्ट करते हैं तो ये आसानी से मतलब जल्दी से दोबारा से इनका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, तो इनकी जो बनने में प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है, दैट्स वाई हम इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अभी फर्दर हम इसमें करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे करवा देते, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अभी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के आधार पर अगर हम देखें तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनको फर्दर हमने किया था क्लासिफाई, जैसे कि एक्चुअल रिसोर्स होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं और रिजर्व्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे पोटेंशियल रिसोर्स।
पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे रिसोर्स जिनको हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें इनकी न तो पूरी क्वांटिटी का पता है और न ही हमें इनकी क्वालिटी का पता है ज़्यादा, बट हमें हम इनका प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर रहे हैं बट हम इनको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वो होते हैं जिनकी हमें क्वांटिटी का भी पता है, जिनका हमें पता है कि इसकी क्वालिटी कितनी है, कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, और जिसको हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज को हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। फर्दर इसमें आ जाता है डेवलप्ड रिसोर्स। मतलब वो रिसोर्सेज जो पूर्ण रूप से डेवलप्ड हो चुके हैं, जिनकी हमें क्वालिटी भी पता है और जिनकी हमें क्वांटिटी भी पता है। फिर हमारा इसमें आ जाता है स्टॉक। अभी स्टॉक का मतलब होता है भंडार। अभी आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, आप हम एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में हम अनाज का स्टॉक करके रखते हैं क्योंकि हमें फर्दर फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टॉक का मतलब होता है भंडार, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका हमारे पास स्टॉक है, हम उसको प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर रहे बट हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम वगैरह है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक स्टॉक है। फिर बाद में स्टॉक की ही तरह एक और आ जाता है हमारे पास रिजर्व्स। रिजर्व्स में और स्टॉक्स में कोई डिफरेंट नहीं है। रिजर्व्स भी वही होते हैं जिन्हें हम रिजर्व करके रखते हैं, जो हम प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर रहे हैं बट हम फ्यूचर में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने पढ़ा है कि व्हाट आर रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में फर्दर हमने किया था कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कंटिन्यूस फ्लो आ जाता है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आ जाते हैं। कंटिन्यूस फ्लो का मतलब होता है जो रिसोर्सेज कंटिन्यूस हमें मिलते रहते हैं, जैसे कि विंड है, एयर है, वाटर है, सोलार एनर्जी है। फिर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में हमारे जितने भी नेचुरल वेजिटेशन हैं और जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ है वो बायोलॉजिकल रिसोर्स के अंतर्गत आ जाती है। नॉन रिन्यूएबल में हमने किया था कि रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज रिसाइकलेबल होते हैं, कुछ रिसोर्सेज नॉन रिसाइकलेबल होते हैं। रिसाइकलेबल में हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो रिसाइकलेबल में आते हैं क्योंकि मेटल्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। नॉन रिसाइकलेबल में आ जाते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि जिनको एक बार हम जब यूज़ करते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हम उसे रिसाइकलेबल नहीं कर सकते। फिर फर्दर हमने किया है क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज में हमने किया है कि रिसोर्सेज जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो बायोटिक और अबायोटिक दो तरह के होते हैं। बायोटिक मतलब जो जैविक संसाधन होते हैं जिसमें जीवन होता है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक, ऑल द नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर नोन एज अबायोटिक रिसोर्स। मतलब जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अबायोटिक रिसोर्स कहेंगे। फिर फर्दर हम इसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब स्वामित्व के आधार पर जिसका मालिक कौन है। तो उसमें हमने किया था इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब एक इंडिविजुअल है जिसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो कोई भी व्यक्ति है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल रिसोर्स में आ जाती है। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर एक पूरी कम्युनिटी का हक होता है और पूरी कम्युनिटी के लोग मिलकर उसे एसेस कर सकते हैं, तो हम उसे कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। नेशनल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज जो एक राष्ट्र की बाउंड्री के अंदर आते हैं, एक सीमा के अंतर्गत आते हैं और उसके ऊपर उस राष्ट्र का ही अधिकार होता है, तो हम उसे नेशनल रिसोर्स कहेंगे। अगर वाटर बॉडीज़ की फर्दर अगर हम बात करते हैं तो 12 नॉकटिल मील्स तक का जो एरिया है वो उसी नेशनल के नेशन के अंतर्गत आते हैं और हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जिन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, जिस पे किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होता, उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। मतलब कोई भी देश की वाटर बाउंड्री है उसके फर्दर कोस्टल बाउंड्री के आगे 200 नॉकटिल मील्स के आगे का जो एरिया है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है।
फिर अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब समापत्य के आधार पर जो रिसोर्सेज है वो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल होते हैं। बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट उन रिसोर्सेज का कितना हो चुका है, पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं, स्टॉक होते हैं हमारे पास और रिजर्व्स होते हैं। ये टॉपिक खत्म हो गया है, कल हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स प्लानिंग के बारे में एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। जैसे कि हम पहले ही करके आ चुके हैं कि जो रिसोर्सेज है अगर हम उन्हें अनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे तो ये एक दिन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें, अगर आपको आज कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में उस डाउट को डाल सकते हैं, कल हम वो डाउट फिर क्लियर कर देंगे। थैंक यू।